देखो बोट देखो जी देखो उधर तो टेंशन नहीं लगा पा रही बढ़िया कैमरा दिमाग खराब है देखना आई एम ठीक है आई हो गया अब आई ठीक अंड का मतलब किसे संबंधित है अंडाशय से किसे अंडाशय से ठीक अब कोई पूछे भाई अंडाशय क्या होता है तो जहाँ पे अंडे अंडे होते हैं निर्मित होते हैं अंडे निर्मित बनते हैं उसी को अंडाशय कहते हैं अब अंडाशय में क्या पाए जाते हैं अंडाणु क्या पाए जाते हैं अंडाणु अंडाणु ठीक ना आई वाहिनी माने होता है कि ले जाने वाली वाहिनी ले जाती है वाहिनी का मतलब एक प्रकार की नलिका वाहिनी का मतलब एक प्रकार की नलिका ठीक ना अगर कोई कहे भाई अंडवाहिनी क्या होती है तो कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है एक प्रकार की कुंडली नलिका है कुंडली एक प्रकार की कुंडलित नलिका कुंडलित नलिका है कुंडलित नलिका हो गया कुंडलित नलिका है जो क्या करती है अंडवाहिनी एक प्रकार की कुंडलित नलिका है जो क्या करती है अंडाशय को देखिए अंडाशय को गर्भाशय से जुड़ती है गर्भाशय से जोड़ती है ठीक अंडवाहिनी कराया कि अंडवाहिनी क्या है देखो ध्यान से बोलते कराया कि अंडवाहिनी एक कुंडलित नलिका है जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है समझे ठीक अब देखिए बहुत बढ़िया कराया कि नलिका क्या होती है कराया कि 10 से 12 देखिए बोर्ड पे कराया कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका ठीक ना और एक चीज और होता है कि अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है निषेचन की क्रिया होती है यानी कि हम हो गया कोई पूछेगा ये कौन सी निषेचन तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडाणु अंडाणु